بقى في الرمان قطعات بدي حديد بتاع مضيف توتي مياه في التوغن मैंने वो हार नहीं चुराया। ताई ने बोला मैं जानती हूँ तू ऐसा नहीं कर सकती। हाँ सर, सुमत, जब बुद्ध की दृष्टि वक्री होती है ना, तो मित्रों और घर वालों को नहीं वही कुछ समझ है, लेकिन लेकिन मैं कुछ सुनने वाली नहीं। कुछ कैसे होगा? अच्छा भाई, अब तुम सब लोग जाओ, मुझे सुमन से अकेले में बात करनी है। उन दोनों ने साहिल, मनन और रणवीर को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा है, और मैं चाहती हूँ कि अब की उनकी शादी की सालगिरह यादगार बन जाए। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। अरे बताएगी नहीं? अरे आइडियाज होते ही अच्छे हैं। अच्छा भाई, अब तीनों, अच्छा भाई, अब तुम तीनों नई बहू हमारे एपिसोड्स में, आने वाले एपिसोड्स में ना, हमारे जो घर के बड़े हैं ताया एंड ताऊ जी, उनकी एनिवर्सरी आने वाली है, 30th एनिवर्सरी। तो दादी सा एक हमारा ऐसा, हमारे घर में कैसा एक हो रहती है, उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ बहुत ही अच्छे से और बहुत डिफरेंट तरीके से मनाई शामिल करती है, अपने प्लान के बारे में बताती है कि यू नो कैसे इस चीज़ को कंडक्ट करें, और उसकी सारी जिम्मेदारी बेसिकली मुझे देती है। तो बस मेरी और दादी सा की यही चीज़ें चल रही थी। अच्छा लग रहा है, लेकिन एक भारी सा भारीपन लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सुमन जिस मेंटल स्ट्रेस से जा रही है, उस भी चीज़ जिम्मेदारी, और इसे भी बहुत खूबी से निभाना है सुमन को, क्योंकि ये सबकी खुशियों का। तो थोड़ा सा डर भी है, थोड़ी सी खुशी भी है, लेकिन ओवरऑल नर्वसनेस तो है।